बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ था 72 कंट्रीज का। जो वेटलिफ्टिंग को समझते हैं उनमें से किसी भी ऐसे मुझे बंदे ने नहीं कहा कि यार तुम ज्यादा उठा लेना, 8 साल की उम्र से मैं स्टार्ट हुआ हूँ और मेरा 13-14 साल का तजर्बा है। हमारी सोसाइटी में लड़का फेमस हो उसी वक्त रिश्ते आना शुरू होते हैं कि किसी ने भी तकरार नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया बॉक्स पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तलहा तालिब। ओलंपिक्स में गए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, 153 वाले का कंपटीशन था, वहां पे 5th पोजीशन ली, गोल्ड मेडल बस रहते 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 रह गया। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का सफर था, कैसा सफर था, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलहा मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जब आपका नाम आया था ओलंपिक्स में वो वाली फीलिंग क्या थी? अनसेंसर चाहिए मुझे बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, दिल से खुशी हुई थी कि 45 साल बाद मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा वेटलिफ्टिंग में। मुझे काफ़ी लोगों ने मुबारकबाद दी, जिस तरह तब मुझे रिस्पॉन्स मिला था तो मेरी मोटिवेशन और ज़्यादा हो गई थी। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पे जाकर सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, क्योंकि बस काफ़ी लोग जाते हैं, ओलंपियन का टैग लग जाता है, तो जाहिर सी बात है हर एथलीट का ख्वाब होता है कि वो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ना सिर्फ वहाँ पर जाके ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूँ बल्कि मैं अच्छी अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकूँ। जब आप यहाँ से चले गए ओलंपिक्स में, आप एक गुजरांवाला के छोटे से गांव से जाके एक बड़े लेवल पे इतने बड़े एथलीट्स के साथ करें, तब आपका क्या फीलिंग है? मैंने लास्ट जो अपने कॉम्पिटिशन एशियन चैम्पियनशिप में खेले थे, यही तकरीबन चंद दिन में से एथलीट थे जो वर्ल्ड क्लास के मेरे साथ थे, तो मेरा काफ़ी हौसला भी ज़्यादा हुआ था कि पिछली दफ़ा भी मैंने इनको हराया था तो इस दफ़ा भी मैं इनको इंशाल्लाह हराऊंगा। और मैंने कईयों को इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर डिफीट भी किया। और जो कोलंबियन थे उसके साथ मेरा पहले पार्टिसिपेशन नहीं थी हुई, उसके साथ मैं कॉम्पिटिशन नहीं था खेला हुआ, तो क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा था मुझे उसका नहीं था पता कि वो कितना वेट उठा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा था ट्विटर के ऊपर, जब आपने कॉम्पिटिशन किया तो एक गोल्ड मेडल का ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक ट्रेंड और चला कि मैनेजमेंट की गलती की वजह से ये हुआ कि मैनेजमेंट को चाहिए था कि तलहा को 2 या 3 किलो वेट और ज़्यादा उठवा लेते, क्या ऐसा पॉसिबल था? नहीं, ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जिनको वेटलिफ्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो वेटलिफ्टिंग को समझते हैं उनमें से किसी भी ऐसे मुझे बंदे ने नहीं कहा कि यार तुम ज़्यादा उठा लेना था, तुमने ऐसे कर लेना था। हर बंद जो समझता है वेटलिफ्टिंग को वो शायद जानता हो कि वेटलिफ्टिंग में क्योंकि नेक टू नेक आपकी फाइट होती है और जितना आपके 3 आपके पास सिर्फ अटैम्प्ट होते हैं और उन 3 अटैम्प्ट में आपकी ये कोशिश होती है कि आप बस थोड़ा थोड़ा वेट उठा के ज़्यादा इनको लीड दें। अच्छा, आपने 320 उठा लिया था, उसके बाद आपसे जो जीतने वाले हैं वो आपके बाद उन्होंने आपसे ज़्यादा वजन उठाया, जब आपने 320 उठा लिया था उससे लेके जब उन्होंने वजन उठाया वो वाली फीलिंग क्या थी, जो अनसेंसर्ड बिल्कुल जो सच्ची फीलिंग आप इंतज़ार कर रहे थे गोल्ड मेडल? मैं तो स्क्रीन के सामने ही था, मुझे उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह मेडल मेरा बन जाएगा, ब्रॉन्ज के लिए मैं फाइट कर रहा था और मैं सोचा भी था क्योंकि अभी वो कंडीशन नहीं है जो गोल्ड हुए हैं वो 27-28 कोई 30 साल का भी अंदर, तो मैं अभी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह यंग हूँ, 21 साल मेरी एज है और 21 साल की उम्र में ओलंपिक्स में जाना, परफॉर्म करना, ऊपर से वर्ल्ड क्लास एथलीट के साथ जिनकी हमसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा जिनकी फैसिलिटीज हैं। आपकी सेहत देख के लगता नहीं है आप इतना वेट उठा लेंगे, कहाँ से आता है इतनी शक्ति आपकी? शक्ति की बात नहीं, बस मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है, 8 साल की उम्र से मैं स्टार्ट हुआ हूँ और मेरा 13-14 साल का तजर्बा है, मुख्तलिफ कोचिज के पास मैंने ट्रेनिंग की है, काफ़ी कुछ मैंने सीखा है। बस लोगों का होता है इस तरह, जब आप फेम मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कम्प्लीट आप स्टार बन गए, हीरो बन गए, आपका क्या इरादा है, आप हीरो बन गए या अभी हीरो गोल्ड मेडल लेके बन गए? नहीं, मुझे मेरे वाला साहब ने शुरू से एक ही बात किया कि आप मजदूर हैं, मैं सिर्फ ओलंपिक्स में, अगर दुनिया देख रही है पाकिस्तान देख रहा है कि इसने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया तो उसके बाद ये इसका नाम हो गया, मैं बताता चलूँ कि उससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट किया है और 2016 में जो कॉमनवेल्थ यूथ चैम्पियनशिप हुई थी उसका मैं बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुआ था 72 कंट्रीज़ का। और उन्होंने यही कहा कि तुम मजदूर हो, बस सिर सर नीचे करके अपनी ट्रेनिंग करते जाएं, हर काम आपका खुद ही सीधा हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में लड़का फेमस हो उसी वक्त रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं कि किसी ने भी तकरार नहीं? नहीं, मेरे ऐसे अभी तक कोई इंटेंशन नहीं है कि अगर कोई कहता भी है, क्योंकि अभी वेटलिफ्टिंग के मतलब सोचना है दिन रात यही है कि अब इसको मजीद किस तरह बेहतर करना है, अपनी मेडल के लिए वेट उठाना है, शादी के लिए नहीं, अभी टाइम नहीं है बाकी वेटलिफ्टिंग। मतलब आपको मजीद कामयाब करे 2024 में हम उम्मीद रखें जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा आपको मजीद कामयाब करे, आप गोल्ड मेडल लेके आएँ और पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करें। ये थे तलहा तालिब की बात आपने सुनी, मुझे दीजिए इजाज़त, देख करिए मीडिया बॉक्स पाकिस्तान।